हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हो, एनडीए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है किसी भी चीज़ को अनाउंस करने में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आया है नोटिस आपके लिए। तो आप देख सकते हो, आप एनडीए की वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ इस तरह का प्रीफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑनलाइन फाइनल आंसर की एंड ऑफलाइन फाइनल आंसर की, ये दो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। क्या है ये नोटिफिकेशन? तो एक्चुअली जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं उनका फाइनल आंसर की और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका फाइनल आंसर की आपका आ चुका है। सभी लोग अपना फाइनल आंसर की चेक कर लोगे और इसके बाद मैं लाइव आने वाली हूँ बहुत जल्द। तो वहाँ पे आप अपना फाइनल आंसर की चेक करके मुझे बताओगे कि कितना आपने स्कोर किया है CUET UG में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके कुछ इस तरह से सारे आंसर की खुल के आएंगे। बहुत बड़ा पेज है, बहुत बड़ा पेज इसलिए क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का आंसर की आपका यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स का। अभी आप यहाँ पे केमिस्ट्री का देख रहे हो इन इंग्लिश, उसके बाद केमिस्ट्री का इन हिंदी, तो हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आपने पेपर दिया था वो सारा आप चेक कर सकते हो, जो भी आपका पेपर कोड होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका फाइनल आंसर किया गया है। बच्चों का सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा, तो ऑब्वियसली अब फाइनल आंसर किया गया है तो रिजल्ट आने में भी अब बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी। लेकिन आप फिर भी 30 जुलाई तक ज़रूर वेट करना, क्योंकि कुछ भी मतलब अभी आप रिजल्ट आपका बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, ठीक है। तो 4-5 दिनों में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए और उसके बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ये हमें कमेंट करके बताना। उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी इन्फॉर्मेशन है सभी कुछ आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाते हैं, मिलते रहेंगे और सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। BHU का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इलाहाबाद का रजिस्ट्रेशन का डेट 30 जुलाई तक बढ़ा के कर दिया गया है, तो आप उस समय भी कर सकते हो। BHU का ऑलरेडी 5 अगस्त तक है लास्ट डेट, तो आप उसका भी कर सकते हो। इसके अलावा BBAU का अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो हम आपको बताएंगे जैसे ही आ जाएगा। तो हर एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कैसे क्या प्रेफरेंस लिस्ट भरना है वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताते रहते हैं। तो अब आपका इंतज़ार होने वाला है ख़त्म, रिजल्ट आएगा बहुत जल्द क्योंकि आपका फाइनल आंसर की आ चुका है। जब तक फाइनल आंसर की नहीं दे देते हैं तब तक थोड़ा सा संशय रहता है कि रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन अब आपका रिजल्ट बनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाना है। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आपका स्कोर क्या है, किस कोर्स के टारगेट कर रहे हो और आपको हमसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।